तो देखो कल शर्मा जी मेरे पास आए और ये फोन नंबर की जो पूरी लिस्ट है लेके आए इस लिस्ट में लग बग, लग बग तो में लगभग 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 120 फोन फोन नंबर नंबर हैं हैं एक लाइन 42 और वो चाहते हैं कि भाई लिस्ट जो जो है है उनको जो पेपर पे मिली प्रिंट करके एक तो ये में टाइप हो जाए और दूसरा कह रहे हैं इस लिस्ट के फोन नंबर आगे प्लस नाइन नहीं लगा है वो भी ऑटोमेटिक टाइप हो जाए तो बिना हाथ पे रिलाई शर्मा जी ये सारे काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको टाइम भी बचाना है और काम भी कम करना है दूसरा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए टाइम भी थोड़ा कम है तो इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास आ जाता है में, तो बहुत कम समय में बहुत कम काम किए कैसे आप स्मार्ट तरीके से उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको इस लिस्ट को स्कैन कर लेना है या मोबाइल फोन से फोटो ले लेना है और उसको सीधे पहुंचा देना है अपने कंप्यूटर में अब चाहे मेल करके पहुंचाओ चाहे स्कैन करके पहुंचाओ इन दोनों में से कोई एक काम कर लेना है फ़ोटो क्लिक करो और जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर के अंदर उसको भेज दो बाकी आगे का सारा काम कंप्यूटर करेगा अब चलो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वो सारे फ़ोन नंबर्स को स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लिया है तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई भी एप्लीकेशन डाल के अपना फोटो खींचें और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें और सीधे कंप्यूटर में भेज दें अब यहाँ से कैसे हम उसको एक्सेल में ले जाते हैं और कैसे एक सेकेंड के अंदर उन सारे नंबर्स के आगे प्लस नाइन वन करते हैं ये हम देखेंगे सो so, यहाँ से मैं सबसे पहले एम एस वर्ड ओपन करूंगा अब आप कहेंगे एम एस वर्ड ओपन क्यों करना है उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एम एस वर्ड ओपन करके आपको वो जो पी डी एफ फाइल आपने अपने डेस्कटॉप पे सेव करी थी वो यहाँ से ओपन कर लेनी है तो यहाँ से सीधे हम ओपन के ऑप्शन पे चले जाएंगे एंड ब्राउज करेंगे और वो पी डी एफ फाइल हमारे डेस्कटॉप पर है तो हम उसे वहां से ओपन कर लेंगे ये पी डी एफ फाइल हमने पे ली है। अब जैसे आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहां पूछेगा भैया ये जो फाइल है आपको एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है कि नहीं बस इसे ओके कर दीजिए तो कुछ सेकंड में ये जो फाइल है आपकी एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो फोन नंबर आपके प्रिंट थे आपके पेज पर वो आपके सामने यहाँ पर एडिट के फॉर्म में आ जाएंगे मतलब इन सबको आप एडिट कर सकते हो तो देखो है कितना बढ़िया इसके बाद में यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट ऑल करना है ये टेबल के फॉर्म में आएंगे और यहाँ से आप इसको ये जो ऑप्शन है आपके पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इस पर क्लिक कर दो तो ये जो नंबर की सारी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी इसके बाद सिंपल आपको एक काम करना है ये सारे फोन नंबर को यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको आप मिनिमाइज कर लेना है इसके बाद आपको एम एस ओपन करना है तो मैं यहाँ से एमएस एक्सएल ओपन कर लेता हूँ ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करिए और यहां पे जाके सिंपल इसको कंट्रोल वी कर दीजिए तो वो वो जो सारे नंबर आपको सामने दिखने लग जाएंगे बस आपको जो cells का जो सेल्स का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा करना है अब देखो यहां पे कुछ नंबर आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो डबल डबल कॉलम के अंदर आ गए हैं जैसे ये दस वाला कॉलम है उसका ग्यारह में भी आ गया है इसको डिलीट करने का सिंपल या पहचानने का तरीका ये है कि नीचे वाले सेल में क्लिक करोगे तो यहां फॉर्मूला बार में आपको कुछ नहीं दिखेगा तो ये नीचे वाला पूरा सेल डिलीट कर दो ऐसे इसमें भी चेक करो कुछ नहीं दिख रहा है फॉर्मूला बार में यहाँ पे तो डिलीट कर दो क्योंकि अगर आप इसको डिलीट करोगे तो ये सारे नंबर डिलीट हो जाएंगे ये ऊपर वाले सेल में लिखे हैं तो कुछ एक है इसका भी एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में कि इस तरह के जो सेल्स से हैं उनको कैसे पहचान के हटाते हैं एम एस वर्ड से जो टेबल है वो एम एस एक्सेल में कैसे ले जाते हैं बिना ये सारी चीज़ों को डिलीट किए तो ये एक एक करके मैंने जो सारे सेल्स थे वो एक्स्ट्रा डिलीट कर दिए हैं अब विद इन अ सेकेंड हम कैसे प्लस नाइन वन इसके आगे ऐड करेंगे तो ये सारी जो तीन टेबल है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद यहां नंबर फॉर्मेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सो तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहां पे जाएंगे कस्टम वाली फॉर्मेटिंग पर देखो तो ध्यान से देखना इतना सरल है कि बस जस्ट वाओ कह दो कि कमेंट में अगर समझ में आ जाए तो वाओ लिख देना तो मैंने कस्टम पे क्लिक किया और यहां पर आपको टाइप में जर्नल का ऑप्शन दिखाई देगा इसको हटा दो डिलीट कर दो इसके बाद यहाँ पे प्लस नाइन वन टाइप कर दो एंड जस्ट आपको कुछ नहीं करना अब आपको क्योंकि फोन नंबर दस डिजिट का होता है तो दस बार जीरो टाइप करना है तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस बस इतना ही काम करना था और ओके इतना करते ही आपके सारे मोबाइल नंबर्स के आगे प्लस नाइन वन यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा एक सेकंड के अंदर इसके अलावा इस तरह की कोई नाम की लिस्ट आपके पास है और आपको उसके आगे श्री लगाना है तो कैसे करेंगे जानने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप अपना करना चाहते हैं साढ़े सात हजार का प्रॉफिट तो ये आगे वाला वीडियो जरूर देखिए क्या आपको पता है कि आप वीडियो देखने के बाद आप में से कोई पांच लकी लोग अपना साढ़े सात हजार रुपए का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर चलिए जल्दी से समझा देता हूं तो आपको करना क्या है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है यहां पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा ए टू जेड कंप्यूटर मास्टरी कोर्स इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे एक फ्री ओ और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए ये पेन ड्राइव चार डिवाइसेस पे काम कर सकता है आपके पीसी पर आपके मोबाइल फोन पर टैब पर और आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी पर अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है जिससे कोर्स आपको लगभग चार हजार रुपये का पड़ेगा लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से पांच लोगों को ये कोर्स केवल और केवल ढाई हजार रुपये में मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है डबल और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल यानी पच्चीस का मिलेगा तो जो भी पांच लोग पहले ये कूपन कूपन कोड कोड यूज करेंगे उनको इस का फायदा मिल जाएगा सो आशा करता हूं कि ये पेन ड्राइव कोर्स आप जरूर ज्वाइन करेंगे अब बता देता हूं कि श्री कैसे लगाना है तो जो पिछली टेक्निक थी जो हमने प्लस नाइन वन एड किया था वो सिर्फ नंबर्स के साथ में काम करता है टेक्स्ट के साथ में वो चीज काम नहीं करेगी इसके आगे श्री लगाने के लिए क्या करना है आपको यहां पे राइट क्लिक करके एक कॉलम इंसर्ट करा देना है और सिंपल यहाँ पे एस एच आर आई टाइप कर देना है अब ये तो मैं अगले कॉलम में कर रहा हूँ लेकिन इसके साथ भी जुड़ के आएगा और यहाँ इस कॉलम में जाना है सी वाले में या डी वाले में जहाँ भी आप ये सारे नाम श्री के साथ में लिखना चाह रहे हो तो यहाँ लगाओ बराबर का निशान इस वाले सेल को सेलेक्ट करो फिर एंड करो फिर यहाँ पे कृष्णा को सेलेक्ट करो एंड देन एंटर तो देखो अभी यहाँ पे हुआ क्या श्री तो लग गया लेकिन जो स्पेस था वो किसी भी नाम के बीच में नहीं आया अगर आपको स्पेस के साथ में लिखना है तो फिर से बराबर का निशान लगाओ अभी यहां पे आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा श्री एंड इसको बंद करना पड़ेगा एंड बंद करते समय आपको एक स्पेस दे देना है उसके बाद आपको एंड पे क्लिक करना है एंड देन आपको इस नाम पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है अब देखो यहां पे कृष्णा के साथ में जो श्री था या राम के साथ में जो श्री था वो आ गया तो आप समझ गए कि एंड फॉर्मूला का यूज करके आप कैसे दो नाम के आगे कोई एक शब्द जोड़ सकते हो तो अगर हम यहां ये यह श्री नहीं भी लिखते तब भी हम इसको ऐड करके यहां पे ले सकते थे एंड का यूज करके भी और मोबाइल नंबर के साथ में भी हम ये कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर के साथ में भी लेकिन वो अलग सेल में आता सेम सेल में नहीं आता और यहां पे ये क्या कर रहा है ये अलग सेल में आपके उन्हीं नामों को लिख रहा है तो इस तरह से अगर आपके पास इस तरह के कोई टास्क आते हैं जहां पर आपको किसी नाम के आगे किसी नंबर के आगे कोई और शब्द जोड़ना हो तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम